ओम शांति आज तीन जनवरी 2022 है और आज के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी दी। ओम शांति दीदी ओम शांति बाबा ने कहा मीठे बच्चे ब्रह्मा सो विष्णु विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं दोनों एक दो की नाभि से कब निकलते हैं ये राज सिद्ध कर समझाओ प्रश्न है कौन सी गुप्त बात महीन बुद्धि वाले बच्चे ही समझ सकते हैं प्रश्न जो सार है ब्रह्मा सो विष्णु विष्णु सो ब्रह्मा ये एक चित्र है जिसमें दिखाया है कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकले और कमल के पुष्प हैं ब्रह्मा जी हैं उसमें उनके आदमी चार वेद अठारह पुराण तो बाबा कहते हैं कि ऐसे विष्णु की नाभि से ये जो दिखाते हैं निकला अब ऐसा तो नहीं होता है परंतु इसका रहस्य रहस्य क्या है यही ब्रह्मा अपने नेक्स्ट जन्म में ब्रह्मा जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिनके द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं तो खुद भी तो वो पढ़ते हैं नर नारायण बनता है मनुष्य देव पद प्राप्त करता है ये ब्रह्मा जो कि इस दुनिया का है और इस दुनिया का ब्रह्मा है उसकी निशानी है केवल ब्रह्मा को ही दाढ़ी मूछ दिखाई जाती है और कोई भी देवता को दाढ़ी मूछ नहीं दिखाते हैं और वृद्ध दिखाते हैं तो वृद्धपन और दाढ़ी मूछ का होना वो इस संसार की बात है जो ये स्पष्ट करती है कि ब्रह्मा इस ही दुनिया के थे साधारण मानव थे इसीलिए उन्हें आदि मानव आदि देव भी कहा जाता है और वे ही अपने श्रेष्ठ संस्कार देवी धारण करने पर विष्णु बनते हैं नर नारायण बनता है और विष्णु जी फिर अपने पूरे श्री लक्ष्मी से नारायण के दो रूप हैं वो पूरे अपने चौरासी जन्म लेने के पश्चात पुनः साधारण धन जिसको हम कहें ब्रह्मा का पुनः वह उस रूप में प्रकट होते हैं प्रकट होना माना होते ही इसी दुनिया में है परंतु वो रोल उनका प्रकट होता है तो इस प्रकार से भावने का ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु अपने पूरे चौरासी जन्मों के बाद ब्रह्मा ब्रह्मा सो विष्णु बनने में एक सेकंड और विष्णु सो ब्रह्मा बनने में चौरासी जन्म प्रश्न है कौन सी गुप्त बात महीन बुद्धि वाले बच्चे ही समझ सकते हैं हम सबकी बड़ी माँ ये ब्रह्मा है जिसके हम मुख वंशावली हैं ये बड़ी गुप्त बात है ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती वो है सबसे होशियार गॉडस ऑफ नॉलेज बाप ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है माता की लोरी गाई हुई है वो सबको समझाए कि विश्व में शांति कैसे हो सकती है ये बाबा बता रहे हैं कि शिव बाबा एक माँ है फिर ब्रह्मा एक माँ है हमारी बड़ी माँ और उसके पश्चात ब्रह्मा के मुखारविंद से जो ज्ञान सुन के जो यज्ञ को संभालने के निमित्त बनती है वो जगदम्बा तो माताओं को बाबा ने ये बतलाया है हम बच्चों को कि वंदे मातरम कहा गया है भारत माता शक्ति अवतार कहा गया है सारी नदियों के नाम माताओं पर हैं और कहानी भी है कि कलश जो है ज्ञान अमृत का वो माताओं को दिया गया तो मम्मा अथवा जगदम्बा निमित्त बन जाती है समझाने के औरों को समझा करके लायक बनाने के तो बाबा ने कहा ये जो कार्य है समझाने का ये माताओं का है आज का गीत है भोलेनाथ से निराला बावने का बिगड़ी को बनाने वाला जरूर भगवान को ही कहेंगे न कि शंकर को भोलेनाथ भी शिव को ही कहेंगे शंकर को नहीं खेवैया भी शिव को ही कहेंगे न शंकर को न विष्णु को खेवैया अथवा गॉड फादर कहने से बुद्धि निराकार तरफ चली जाती है त्रिमूर्ति का चित्र तो नामी ग्रामी है गवर्नमेंट का जो कोर्ट ऑफ आर्म्स है वो जानवरों का बना दिया है अब जानवरों के साथ तो कोई अर्थ नहीं निकलता तो बाबा ने कहा जो बड़ी बड़ी राजधानियां हैं उन सब के कोर्ट ऑफ आर्म्स हैं भारत में त्रिमूर्ति मशहूर है ब्रह्मा विष्णु शंकर उसमें शिव का चित्र गुम कर दिया है क्योंकि उनकी नॉलेज ही नहीं गॉड फादर कहने से बुद्धि निराकार की तरफ चली जाएगी फिर बाबा ने कहा कि सत्युग में तो देवताएं रहते हैं जरूर परंतु देवताओं को रचने वाला परमात्मा ही है वो देवताएं देवताओं को कैसे रचते हैं ये नहीं जानते महिमा गाते हैं मूत पलीती कपड़ धोए तो जो मनुष्य मूत पलीती थे उनको देवता बनाया बाबा पर, अपना रचना का कार्य एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैं कैसे स्थापना करता हूँ नई सृष्टि की इसी मुरली में बाबा ने कहा है कहा जाता है पतित पावन जो इस बात को सिद्ध करता है कि परमात्मा पतित सृष्टि में आकर के इसको पावन बनाते हैं कोई दूसरी सृष्टि नहीं है उनकी जो अलग से बाबा बना दे परंतु तो इसी सृष्टि को पावन बनाते हैं तो बाबा ने बतलाया कि किस तरीके से मैं आता हूँ ब्रह्मा को अडॉप्ट करता हूँ और फिर उसके द्वारा मैं ज्ञान देता हूँ श्री कृष्ण मनुष्य को देवता नहीं बना सकते गीता में भी है मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाकर कर श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी बनाता हूँ पतित पावन गॉडफादर को ही कहेंगे वो जरूर आएंगे भ्रष्टाचारी दुनिया में बाबा ने कहा अब बाप समझाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला फिर ब्रह्मा की नाभि से विष्णु कैसे निकल निकलेंगे क्योंकि ब्रह्मा सो विष्णु विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना फिर वही ब्रह्मा सरस्वती दूसरे जन्म में विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं तो ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा कहेंगे हम सो विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं लक्ष्मी नारायण फिर कहेंगे हम सो ब्रह्मा सरस्वती तो एक दो की नाभि से निकले ना हम सो देवता फिर क्षत्रिय बातें हैं फिर बाबा ने बताया कि इस संगम के समय का को, किसको पता नहीं है मनुष्य तो को घोर अंधकार में डाल दिया है कलयुग की आयु इतने लाख वर्ष की है सतयुग की आयु इतनी है ऐसी ऐसी बातें सुनकर घोर अंधकार में डाल दिया है ये बाबा बता रहे हैं कि कल्प की आयु को बहुत लंबा चौड़ा बताते हैं। कल्प की आयु चार आ, चार अरब बत्तीस करोड़ को सौ से गुणा करिए वो कल्प की आयु है चार अरब बत्तीस करोड़ तो चतुर्युगी की आयु है चार लाख बत्तीस हज़ार कलयुग की आयु है उसे दो गुना द्वापर उसे तीन गुना त्रेता उसे चार गुना ओ तो ऐसा कैसे हो सकता है बाबा कहते हैं कि ये सारा जो है इतना लंबा चौड़ा बता दिया है कोई सोच ही नहीं सकता इसके बारे में कौन रिसर्च करेगा इसे वो छोड़ देते हैं लोग कहते हैं अच्छा जो है जैसा है होता होगा तो घोर अंधेरे में ही पड़ गए ना क्लैरिटी नहीं रही तो बाबा आके स्पष्ट करते हैं हर युग की आयु 1250 वर्ष है और टोटल कल्प की आयु 5000 वर्ष है फिर बाबा ने कहा पहले पहले तो ये निश्चय होना चाहिए कि ये नॉलेज कृष्ण नहीं दे सकते अच्छा फिर गाते हैं आप ही पूज्य आप ही पुजारी भक्ति मार्ग में पुजारी हैं ज्ञान मार्ग में पूज्य हैं विष्णु के दो रूप बरोबर पूज्य थे फिर, फिर ये ब्रह्मा ही पुजारी बन विष्णु की पूजा करते थे कहते हैं हम सो पुजारी थे विष्णु के अब हम सो विष्णु पूज्य बन रहा हूं तत्वम फिर बाबा ने कहा कि अभी सब धर्म है राम राज्य में दूसरा कोई धर्म होता नहीं भारत का असली धर्म है नहीं वो फिर भी स्थापन हो रहा है चित्र भी है त्रिमूर्ति के ऊपर शिव भी है ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण वही राधे कृष्ण थे फिर बाबा ने कहा ये, ये स्पष्ट हुआ ब्रह्मा सरस्वती सो ही राधे कृष्ण बनते हैं और राधे कृष्ण ही सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं ये तो कहा जाता है न श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा तो ये स्पष्ट होता है और राधे के लिए भी कहा जाता है राधे तुमने ऐसा कौन सा तप किया जो तुम्हें श्री कृष्ण जैसा पति मिला तो उस अपने पूर्व जन्म में वो कौन थे ज्ञान ज्ञानेश्वर ज्ञान ज्ञानेश्वर थे जो फिर राज राजेश्वरी राज राज बनते अर्थात ब्रह्मा सरस्वती सो श्री राधे श्री कृष्ण और श्री राधे श्री कृष्ण बाल्यकाल का नाम है उनका जब स्वयंवर होता है तब वो कह हैं श्री लक्ष्मी और श्रीनारायण राजधानी राधे की अपनी थी तो कृष्ण अपनी राजधानी के थे ज्ञान की सितार राधे के पास नहीं है सरस्वती नॉलेज से भविष्य में राधे बनी है सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं उनको जरूर बाप द्वारा नॉलेज मिली होगी सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी प्रजापिता ब्रह्मा है तो जगत अंबा भी चाहिए वास्तव में ये है गुप्त बातें बड़ी अंबा तो ये ब्रह्मा है इन द्वारा ज्ञान देते हैं माताओं को वो बड़ी जगत बड़ी बेटी जगत अंबा गई हुई है नहीं तो ब्रह्मा मुख द्वारा अडॉप्ट होते हो तो माता ये हो गई होशियार में होशियार ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है वो कहाँ से आई ब्रह्मा को स्त्री तो नहीं है वो है प्रजा पिता तो वो है मुख वंशावली ये ड्रामा भी अनादि बना बनाया है ये बात समझने की है जो बाबा क्लियर करते हैं कि ब्रह्मा और सरस्वती युगल नहीं थे ब्रह्मा पिता और सरस्वती फिर बाबा ने कहा कि पहले ब्रह्मा विष्णु को रचते होंगे फिर ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं ऐसे नहीं कि कोई नई दुनिया रचते हैं। अगर ऐसा हो तो फिर मनुष्य ऐसे नहीं कहें कि पतित पावन आओ इस समय सारी दुनिया पतित है सब दुर्गति को पाए हुए हैं फिर बाबा ने आज हम बच्चों बाबा ने वो बात स्पष्ट जो शुरू में बताई कि जब कहते हैं पतित पावन तो पतित पावन माना इस सृष्टि को ही पावन बनाते हैं पतित आत्माओं को पावन आके बनाते हैं दूसरी कोई सृष्टि नहीं रचते हैं यहाँ तो ज्ञान गंगाएं चाहिए जो मनुष्य को भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाए सहज राजयोग से बाप कहते हैं मैं सर्वशक्तिवान हूँ। हूं मेरे से योग लगाने से सर्व विकर्म विनाश होंगे वरदान है आज का सब कुछ बाप के हवाले कर डबल लाइट रहने वाले बाप समान न्यारे प्यारे भव डबल लाइट का अर्थ है सब कुछ बाप हवाले करना तन भी मेरा नहीं ये तन सेवा अर्थ बाप ने दिया है आपका तो वायदा है कि तन मन धन सब तेरा जब तन ही अपना नहीं तो बाकी क्या रहा तो सदा कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रहे कि मैं कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा हूं ऐसे न्यारे रहने वालों को परमात्म प्यार का अधिकार मिल जाता है स्लोगन है मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाले ही मर्यादा पुरुषोत्तम है मर्यादा पुरुषोत्तम बहुत बड़ी डिग्री है और वो लेने के लिए मर्यादाओं का पालन आवश्यक तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण यदि आ, यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें एट एट टू सिक्स फाइव डबल नाइन थ्री जीरो नाइन पर ओम शांति